So in the name of Almighty Allah, I am Tawseef Iqbal, and in this topic we will focus on those important medical terminologies which are commonly used inside hospital and during clinical practice. So first of all, pyoderma, skin infection with pus फॉर्मेशन. सो पायोडर्मा हम उस कंडीशन को कहते हैं जब ह्यूमन बॉडी में या किसी दूसरे एनिमल में इन्फेक्शन लग जाए स्किन पे, डर्मस पे, और वहाँ पे पस फॉर्मेशन हो जाए, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं पायोडर्मा. तो बेसिकली पस में डेड सेल्स होते हैं, डेड बैक्टीरिया होते हैं, और इसके साथ साथ दूसरे जो डिबरस होते हैं ह्यूमन बॉडी में, तो वहाँ पे ये इस पस की फॉर्मेशन होती है. तो बेसिकली पायोडर्मा इज स्किन इन्फेक्शन विद पस फॉर्मेशन. नेक्स्ट इज हिस्टेरेक्टोमी, एक्सेशन ऑफ यूटरस. जब फैमिली प्लानिंग पर्पस के लिए या यूट्रस में कोई मेलिग्नेंसी हो, कैंसर एट्सेट्रा कंडीशन हो, या इस तरह कंडीशन हो कि यूट्रस में कोई क्रॉनिक डिजीज़ हो, तो उस केस में हम यूट्रस की एक्सेशन करते हैं. तो बेसिकली हिस्टेरेक्टोमी की मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स है, जिसमें है पार्शियल हिस्टेरेक्टोमी, टोटल हिस्टेरेक्टोमी एंड रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी. सो बेसिकली इट इज़ एक्सेशन ऑफ यूटरस. नेक्स्ट इज एडिनेक्टोमी. सो एडिनेक्टोमी इज एक्सेशन ऑफ अ ग्लैंड, एक्सेशन ऑफ अ ग्लैंड डेट ऑफ एडिनाइड्स एंड टॉन्सिल्स. इन ह्यूमन देयर इज अ ग्लैंड, so we call it adenoids. So when we remove, when we do excision of this adenoid gland, so we call it adenectomy. Next is cholecystectomy, excision of gall bladder. So basically gall bladder present beneath the liver, so they have important function inside human body, and they secrete chemical substances which are helpful in digestion. So if there is formation of stone, we call it gall stone. So then we do surgery and we call it cholecystectomy. जब हम गाल ब्लेडर की एक्सेशन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर स्टोन की फॉर्मेशन हो जाए या कोई और डिजीज़ कंडीशन हो, तो जब ये क्रॉनिक स्टेज पे चला जाता है, तो देन वी डू सर्जिकल रिमूवल ऑफ गाल ब्लेडर एंड वी कॉल इट cholecystectomy. सो देन वी डू here we do cut and we remove it. Next is nephrectomy, excision of a kidney. So nowadays there are a lot of problem created from kidney diseases. तो जब human body में kidney की failure हो जाए या kidney इस stage, kidney की function इस stage पर पहुँच जाए कि वो बॉडी के लिए यूज़फुल ना हो या ऑनवर्ड बॉडी के लिए कोई फ़ायदा ना हो, तो देन वी रिमूव किडनीज फ्रॉम बॉडी एंड वी ट्रांसप्लांट इट बाय अ हेल्थी वन. तो बेसिकली एक्सेशन ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रेक्टोमी. सो हेयर इन दिस साइड वी डू कट एंड देन वी डू surgical removal of kidney. Next is thyroidectomy, excision of thyroid gland. So here
देयर इज अ ग्लैंड वी कॉल इट थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड का ह्यूमन बॉडी में काफ़ी इम्पोर्टेंट फंक्शन है, जैसा कि इससे मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन पैदा होता है, जिसमें वन ऑफ दिम इस थायरोक्सिन, जिसे हम T4 हार्मोन कहते हैं, इसके साथ साथ ट्राई आयोडोथायरोनिन, जिसे हम कहते हैं T3 हार्मोन, जो ह्यूमन बॉडी के लिए काफ़ी मुफीद है। अगर इस ग्लैंड की डिफिशेंसी हो या इस ग्लैंड की फंक्शन में कोई मसला हो, तो देन देयर विल बी अ डिजीज़ वी कॉल इट गाइटर डिजीज़। सो बेसिकली सर्जिकल रिमूवल ऑफ थायराइड ग्लैंड इज कॉल्ड थायराइडेक्टोमी। नेक्स्ट इज ब्रांकाइटिस। सो ब्रांकाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रांकाई। सो ड्यू टू मेनी रीजन प्रॉब्लम कैन अकर इनसाइड लंग्स इन ब्रांकियोल्स ब्रांकस and even in alveoli of the lung, but specifically if there is inflammation of bronchi, so we call it bronchitis. Next is carditis. So carditis is inflammation of heart. So human heart is composed of three protective layer. So one of them is pericardium. So if there is inflammation in pericardium, we call it pericarditis. If there is inflammation in endocardium, we call it endocarditis. So basically जब heart में inflammation होता है, इसे हम कहते हैं simply carditis. जब heart की जो layer होती है protective, जब pericardium में inflammation हो जाए, इसे हम कहते हैं pericarditis, और जब एंडोकार्डियम में इन्फ्लेमेशन हो जाए, इसे हम कहते हैं एंडोकार्डिटिस। नेक्स्ट इज कोलाइटिस। सो कोलाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ कोलान। सो कोलान चूँकि ह्यूमन बॉडी में लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, जैसा कि डिडुनम जिजुनम इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन की पार्ट है, इसके साथ साथ सीकम कोलान और रेक्टम, ये लार्ज इंटेस्टाइन की पार्ट्स है। जब कोलान में इन्फ्लेमेशन हो जाए किसी भी वजह से, तो इसे हम कहते हैं कोलाइटिस। सो दिस इज़ हेल्थी कोलान एंड दिस इज़ बेसिकली दिस इज़ हेल्थी कोलान एंड दिस इज़ इन्फ्लेम्ड कोलान। सो इफ़ यू लुक टू द सेल ऑफ colon, so they are inflamed, there is swelling, there is redness, so this condition is called colitis. So this is healthy colon and this is inflamed colitis. So this all about these important terminologies. In next lecture I shall focus on more important terminologies which are used during clinical practice. So thanks for your attention. Thank you.